हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कि आप इस पे कैसे ट्रेडिंग करोगे और इस पे कैसे लॉट साइज डिसाइड होता है और किस पेयर में ट्रेड करोगे। इससे पहले मैंने बताया था कि आप कैसे डिपॉजिट करो, कैसे विड्रॉल करो, सारा कुछ कैसे करो, वो सब अगर आपको नहीं मालूम होगा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। और ये वीडियो में रहेगा कि आप कैसे लॉन्ग और शॉर्ट करोगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन दबा लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और डेली हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लिंक में क्लिक करके केवाईसी कर लेना तो आपको $25 का डेल्टा कैश मिलेगा। डेल्टा कैश में क्या यूज होता है, उससे आप जब भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिबेट हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिलता है आपके ट्रेडिंग फी में, तो वो चीज आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। देखो जनरली हम लोग इसमें जो ट्रेड करते हैं ना वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें मैं ज्यादा जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ बीटीसी यूएसडीटी या फिर इथेरियम यूएसडीटी पेयर पे। तो यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको चार्ट में लगा लिया और 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब यहीं पे मैं एनालिसिस करता हूँ, लॉरेन के साथ भी करता हूँ। लॉरेन यहाँ पे नहीं लगता है, लॉरेन के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखना पड़ता है। तो एक साइड में आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो। अब यहीं पर ट्रेड लाइन लगा के, यहीं पर सब कुछ लगा के मैं यहाँ से चेकआउट करके यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट करता हूँ। मैं यहाँ जो करता हूँ यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे देख लो, एक फ्यूचर है, एक ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, आज मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? फ्यूचर ट्रेडिंग देखो होता है ना, सिंपल चीज होता है, इस पे कोई भी प्रीमियम डिके नहीं होता है। मतलब कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आपका व्यू है यहां से कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहां से आप बाय लॉन्ग या फिर बाय लॉन्ग कर दोगे। यहाँ पे देखो बाय लॉन्ग ग्रीन वाला देखो, यहाँ कर दोगे, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय लॉन्ग, इसमें कोई भी प्रीमियम डिके नहीं होगा। मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 साल 2 साल जितना दिन भी रहेगा तब तक आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। आप कभी भी इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि आप कितना दिन भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। दूसरा चीज, अगर मार्केट मान के चलो नीचे आ जाता है तो अगर आपने एसएल लगाया है तो आपका एसएल कट जाएगा और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो आपका जो पोजिशन है वो लिक्विडेट हो जाएगा। मतलब कि आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, जितना लीवरेज ये देता है वो लीवरेज हटाने के बाद, वो अपना टैक्स लेने के बाद आपका पोजिशन जीरो हो जाएगा। Got it? तो ये चीज ध्यान देना कि अगर फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एसएल जरूर लगाना, जो भी आपका कैपिटल रहेगा उसका 10% एसएल जरूर लगाना। नाउ गाइस, अब बात करते हैं इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। देखो बीटीसी यूएसडीटी का ना क्वांटिटी होता है, तो 1 BTC इक्वल टू, मैं हमेशा बताते रहता हूँ, 1 BTC इक्वल टू 1000 क्वांटिटी होता है। मतलब कि अगर आपने इस पे आप 1 क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हो, मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय किया तो आपने कितना बीटीसी बाय किया, 0.1 BTC। उसी हिसाब से कैलकुलेट करना, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि अगर आपने 1 BTC बाय किया, 1 क्वांटिटी बाय किया, तो आपका जो BTC बाय कितना होगा, 0.001 BTC। मतलब आप कितना भी BTC, अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय किया है तो आपको 1 BTC बाय होगा और 1 BTC का प्राइस कितना चल रहा है, 90,649। मतलब ये डॉलर में, मतलब लगभग लगभग आपको जो देना पड़ेगा आपको 70 लाख रुपीज, एक BTC का प्राइस है 70 to 75 लाख। आप सोच के देखो, इतना बड़ा पैसा तो आप दोगे नहीं, ठीक है, इतना पैसा तो किसी के पास रहता नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग लीवरेज सेट करते हैं। यहाँ पर देखो इसका लीवरेज बढ़ा सकते हो 200x से लेके, आपका 50x से लेके 200x तक लीवरेज है। तो आप जो भी लीवरेज सेट करना चाहते हो कर सकते हो। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बोलूंगा 100x लीवरेज के साथ ट्रेड करो, ठीक है, 100x लीवरेज के साथ ट्रेड करोगे तो आपका इजी होगा। गाइस अब इस पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, मतलब मान के चलो मेरा यहाँ से व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे दो बटन दिख रहा होगा आपको, बाय लॉन्ग और एक होता है सेल शॉर्ट। तो बाय लॉन्ग करके मार्केट ऑर्डर करके यहाँ से लीवरेज को मैं ना 100x कर देता हूँ। 100x करके आप यहाँ पे सेट 100x कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड करता हूँ 50 क्वांटिटी। अगर मैं 50 क्वांटिटी ऐड करूंगा तो मेरा BTC कितना बाय होगा, यहाँ पे देखो शो हो रहा 0.050 BTC, ठीक है, ये मेरा BTC। अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा 0.100 BTC बाय होगा, ठीक है। मतलब कि अगर 100 पॉइंट BTC मूव करेगा तो मेरा $10 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो मैं चलो 100 क्वांटिटी लेके बाय करके दिखाता हूँ आपको। देखो मेरा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कितना, $90 का, एक BTC मतलब 0.10 BTC लेने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा $90 का। तो मैं जैसे यहाँ पे बाय लॉन्ग करूंगा मार्केट ऑर्डर में, देखो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया और एक ब्लू लाइन आ गया यहाँ पे देखो एक ब्लू लाइन। और नीचे में अगर डाउन साइड जाओगे तो यहाँ पे पोजिशन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा मेरा PNL यहाँ पे लाइव चल रहा है। यहाँ पे देखो लाइव प्रॉफिट लॉस जो भी होगा यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, देखो जैसे मैं मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से लॉन्ग होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूंगा 90,482 का। डाउन साइड गया
यहां पे देख लो, यहां पे टीपीएन एसएल दिख रहा होगा, यहां पे उसको क्लिक किया 90,400, 90,480 का मैं यहां पे स्टॉप लॉस पुट कर दिया, ठीक है, यहां पे कंफर्म कर दिया। अब ये मेरा स्टॉप लॉस वहां पे लग गया, ठीक है, देखो यहां पे एक रेड लाइन आ गया हुआ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस टारगेट है, ये मैं यहां पर आएगा तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। अब मैं ऊपर का टारगेट भी सेट कर लेता हूं 91,356, बस रैंडम टारगेट सेट कर रहा हूं। तो फिर से आपको यहां पे जाना है, यहां पे जाके 91,356, देखो मेरा प्रॉफिट वहां भी शो कर रहा है कि उसमें एग्जिट होगा तो कितना होगा, 67 डॉलर का। मैंने इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद फिर से ऊपर में रेड लाइन आ गया, देखो यहां पर एक रेड लाइन। तो मैंने यहां, अब यहां पर क्लियर देखो यहां पर क्या है, मेरा एंट्री हुआ यहां पे, मेरा एसएल है यहां पे, मेरा टारगेट है ये। अब मैं इसको देखूंगा, नहीं भी छोड़ दूंगा ऐसे ही, तो ये ऑलरेडी जब तक नहीं एसएल लेगा, जब तक नहीं टारगेट लेगा, ये तब तक ट्रेड चलता रहेगा, रनिंग रहेगा। जैसे एसएल या टारगेट हिट हो जाएगा, ट्रेड से निकल जाएगा। अब मान के चलो आपको अपना ट्रेलिंग एसएल करना है, ऊपर करना है, तो आप यहीं से इसको दाब के रख सकते हो, मतलब कि जो लेफ्ट क्लिक है ना उसको प्रेस करके ऊपर नीचे इसको स्लाइड कर सकते हो और अपने अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। देखो मैं एसएल को यहां पर ट्रेल कर लेता हूं, ठीक है, इसके प्राइस पॉइंट के नीचे में लगा लेता हूं। प्रॉफिट को भी आप यहां से ऊपर नीचे ट्रेल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा चीज कि आपको डायरेक्ट पोजीशन काटना है, पूरा का पूरा पोजीशन आपको काट देना है, तो यहां से क्या करोगे, देखो यहां पर डाउन साइड, यहां पर क्लोज ऑल पोजीशन दिख रहा, यहां पर कंफर्म जैसे करूंगा सारा पोजीशन, जितना भी मेरा पोजीशन था एसएल लगा हुआ, टारगेट लगा हुआ, सारा पोजीशन कट हो गया और मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इस जगह पे ऐड हो जाएगा। ऑडिट इस तरह से सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो बाय लॉन्ग। अब सेल शॉर्ट भी करना है सेम तरीके से, आप यहां पे क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे, यहां पे जितना भी क्वांटिटी लेना वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहां पर देखोगे 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जितना भी कैपिटल है ना पूरा 100% यहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मत करना, बस यहां से लॉट से सिलेक्ट करना, 50 लॉट या फिर 100 लॉट, यहां पर देख लेना कितना रिक्वायर्ड मार्जिन है, उसी हिसाब से आप यहां पर सेट कर देना। नीचे में अगर देखोगे तो यहां पर फी कैलकुलेटर है कि कितना फी लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखो यहां पर दिख जाएगा आपको कितना फी लग रहा है, मेकर कितना ले रहा है, टेकर कितना ले रहा है, ये है कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेट कर सकते हो यहां से कि अगर आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे तो कितना में एंट्री होगा, कितना लिवरेज लोगे और कितना आपका टैक्स लगेगा, क्या प्रॉफिट लॉस होगा, आप यहां से ऑटोमेटिक इजी वे में कैलकुलेट भी करके ट्रेड ले सकते हो। ओके, ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, सिंपल तरीके से लिवरेज सेट कर सकते हो, बाय लॉन्ग सिंपल तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ये वीडियो में मैंने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा सब कुछ कवर कर लूँ। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, समझ नहीं आया हो तो डोंट वरी गाइस, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सारा सॉर्ट आउट कर दूंगा और इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग भी बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जरूर से जरूर केवाईसी कर लेना। इससे पहले का वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ कैसे केवाईसी करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑप्शन इसका जब ऑप्शन में कैसे करना था वो बताऊंगा। टिल देन गुड बाय एंड जय।